सो गाइस ये होने वाले भाई आज की दूसरी वीडियो, और इस वीडियो में भी हम वही करने वाले जो कि सारे वीडियो में करते हैं WWE अपडेट के बारे में बात। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले भाई MJF के बारे में। जब से MJF ने कहा है कि उनको आना है WWE में, तब से भाई MJF को लेकर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई है, काफ़ी सारी अपडेट्स आई। तो भाई उनमें से एक अपडेट आपको देने वाला हुआ, काफ़ी बड़ी अपडेट है। बात करने वाले भाई कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में, क्या क्या होने वाला भाई कल की रॉ में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। रॉ का प्रीव्यू भी बोल सकते हो। और यहाँ बात करने वाले भाई जॉन सिना के बारे में, क्योंकि सर आपने ये तो देख लिया भाई रैंडी ऑर्टन के 20 साल पूरे हो गए, बैटिस्टा के 20 साल पूरे हो गए, लेकिन भाई जॉन सिन्हा के 20 साल भी तो इसी साल पूरे होने वाले। तो भाई कौन सी डेट को पूरे होंगे वो बताने वाला हूँ। और भी अपडेट्स है, सब जाने के लिए बड़ों को एंड तक देख लो बिना स्किप किए। अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगर मेरे चैनल पर नया आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, को शेयर कर देना, क्योंकि चैनल पर आपको WWE की न्यूज अपडेट देखने को मिलती रहती है। चले आज के मार्केटों को स्टार्ट करते हैं। जैसे बातों को शुरू कर लेंगे भाई कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के साथ। तो भाई मंडे नाइट रॉ के लिए कल है ना WWE से एक ही चीज अनाउंस कर रखी है, और वो है भाई स्टील केज मैच, जो कि होने वाला भाई बॉबी लैशली ओमोस के बीच में। तो सिर्फ एक ही चीज WWE ने अनाउंस कर रखी है, इसके अलावा उन्होंने अनाउंस तो कुछ नहीं किया है। लेकिन भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूँ भाई क्या 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 हो सकता है। तो यहाँ पे भाई सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स की जो फ्यूड है ना वो आगे कंटिन्यू होगी। प्रियंका ब्लेयर, आस्का और बैकी लिंच का भी कुछ होने वाला, तो भाई वो भी आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इजीकल और केविन ओवेंस की जो राइवलरी चल रही है उसको भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो भाई जितने भी जो फ्यूड्स है ना वो कंटिन्यू होगी, और आप देखते क्या होता है कल के मंडे नाइट रॉ में पता चलने वाला। तो भाई ये कुछ अनाउंस है मंडे नाइट रॉ के लिए। वैसे बात करेंगे भाई हैप्पी कॉर्बिन के बारे में, तो हैप्पी कॉर्बिन जो टॉकिंग इसमें एपिसोड में आए हुए होते हैं, और यहाँ पे भाई इनसे पूछा जाता है कि आपने जो मैट के मॉस पे इतना ब्रूटल अटैक क्यों किया। हैप्पी कॉर्बिन कहते भाई देखो मैंने अटैक इसलिए किया बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी, और कहते हैं भाई जो भी चीज़ से मुझे खुशी मिलने वाली है, जो भी चीज़ से भाई मैं हैप्पी हो जाऊंगा वो मैं करता रहूँगा, भले अटैक करना हो चाहे कुछ और भी हो। और वैसे भी जो मैट के मॉस है उसकी वजह से मैं लैस महीने में आ रहा, उसने मुझे लैस में बैक लैस में भी डाला, तो भाई उसकी जो धुलाई होना था कन्फर्म ही था। तो भाई उसी वजह से मैंने उसको भाई ये हालत कर दी है, और इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो भाई ये कुछ कहना हैप्पी कॉर्बिन। कैसे बात करें तो भाई MJF के बारे में, और MJF को लेकर भाई मल्टीपल अपडेट्स है, तो भाई ध्यान से सुनना। MJF कहते हैं उनसे भाई वेट नहीं हो रहा कि वो कितना जल्दी जो है AEW को छोड़े और WWE में जाए। एग्जैक्टली यहाँ पे कहते हैं ही कांट वेट टू लीव AEW, तो भाई उनको जल्दी से जल्दी जो है AEW छोड़नी है। और भाई एक और अपडेट है भाई MJF को लेकर, मैंने कहा मल्टीपल अपडेट्स है तो भाई मल्टीपल अपडेट भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भाई जो टोनी खान है या फिर कह सकते AEW है, उन्होंने भाई MJF को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, जिसमें उन्होंने भाई उनकी जो सैलरी वो काफ़ी ज़्यादा रेस कर दी। मैं आपको कितनी रेस की वो नहीं बता, लेकिन भाई सैलरी बढ़ा दी। लेकिन फिर भी MJF ने भाई उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने भाई डेक्लाइन कर दिया एक ही झटके में। डेक्लाइन मतलब उस पर साइन ही नहीं किया, उसको कहते भाई तुम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो अपने पास में ही रखो। और यहाँ पे भाई टोनी खान ये भी कहते हैं अगर MJF रीसाइन कर लेता तो भाई मैं जो उसकी जो तंख है वो ज़्यादा बढ़ाने वाला हूँ, सैलरी बढ़ाने वाला। बात करें तो भाई MJF के तीसरी अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर जो है ना WWE MJF को ले सकती है, किस नज़र से ले सकती है वही मैं बता देता हूँ। एक सेवियर सुपरस्टार की नज़र से ले सकते हैं, सेवियर सुपरस्टार, क्योंकि जो MJF है ना उनकी जो एज है काफ़ी ज़्यादा कम है, वो मात्र भाई 26 साल के हैं, जी अगर वो है ना 30 साल के भी नहीं है, 26 के ही है, मतलब सेथ रॉलिंस से भाई 10 साल छोटे। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक है ना WWE में अगर आते तो काम कर सकते हैं, तो भाई एक जो सेवियर सुपरस्टार साबित हो जाएंगे। तो उस वजह से भी है ना WWE जो इनको अपनी कंपनी में ले सकती है। ऐसे बात करें तो भाई टामासो चैंपा के बारे में, तो भाई टामासो चैंपा का जो कैरेक्टर है ना या तो हील है या फिर बेबी फेस है, ये WWE खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रही है। बार बार जो है ना इनको हील से बेबी फेस से हील बनाया जा रही है। एग्जैक्टली WWE ने क्या किया वो भी आपको बता देता हूँ। तो भाई WWE का जो मेन इवेंट वाला शो होता है उसकी टेपिंग में क्या हुआ कि यहाँ पे पहले जो है ना टामासो चैंपा को एज अ हील शेड्यूल किया गया था कि ये फेस करने वाले भाई फिन बैलर को, लेकिन एंड टाइम पे यहाँ पे फिन बैलर को हटा दिया जाता है और अपोलो क्रूज के साथ इनका मैच करवाया जाता है। अपोलो क्रूज खुद ही एक हील है, तो भाई ये बन गया वहाँ पे बेबी फेस। तो WWE खुद डिसाइड नहीं कर पा रही इनको हील रखना है फिर बेबी फेस रखना है, और ऐसे जो इनके कैरेक्टर के साथ वहाँ पर छेड़छाड़ करी जा रही है। भाई आपके हिसाब से WWE को क्या करना चाहिए, या टामासो चैंपा को हील रखना चाहिए या फिर रखना चाहिए उनको बेबी फेस, आप मुझे बता सकते हो। ऐसे बात करें तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि सीनेशन लीडर 16-time वर्ल्ड चैंपियन मिस्टर हसल लॉयल्टी रेस्पेक्ट जॉन सिन्हा से, तो भाई जॉन सिन्हा के जो 20 साल है ना वो भी इसी साल पूरे होने वाले WWE में। आपने भाई ये तो देख लिया, यहाँ पे रैंडी ऑर्टन के 20 साल पूरे हो गए, बैटिस्टा के 20 साल पूरे हो गए, लेकिन जॉन सिन्हा और रे मिस्टीरियो भाई इन दोनों के भी जो 20 साल पूरे होने वाले, जॉन सिन्हा के भाई 20 साल पूरे होने वाले 27 जून को। और भाई शॉकिंगली यहाँ पे जो 27 जून का एक रॉ का एपिसोड भी है, तो यहाँ पे भाई जॉन सिन्हा के रिटर्न के रूमर्स भी है, तो हो सकता है भाई जो है 27 जून को रिटर्न करते हुए नजर आए। ये सी मेरी स्पेकुलेशन है, सही भी हो सकती है नहीं भी हो सकती। और यहाँ पे भाई बात करते भाई रे मिस्टीरियो के 20 साल पूरे होने वाले भाई, तो भाई रे मिस्टीरियो के होने वाले भाई 25 जुलाई को, और 25 जुलाई को भी एक रॉ का एपिसोड है, तो यहाँ पर भी सेलिब्रेशन हमें देखने को मिल सकता है। अब देखते क्या होता है क्या नहीं होता। भाई वीडियो को इन्फॉर्मेशन थी, मैं मिलता हूँ सीनियर के साथ।